इसी बीच अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निलंबित एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ चालान पेश हुआ है। दवा कंपनी से राहत के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का ये आरोप था और जयपुर एसीबी द्वारा करीब 11,500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में प्रकरण को लेकर सारी जानकारी दी गई है। अजमेर एसीबी न्यायालय द्वारा चार्जशीट को चेक रिपोर्ट के लिए रखा गया है। अब इस मामले में दिव्या मित्तल के दलाल और साथी सुमित की तलाश जारी है और सहयोगी अशोक सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, जो चार्जशीट है यहाँ पर पेश कर दी गई है, क्या कुछ आरोप इसमें लगे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी जरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, राजस्थान का एक बहुत चर्चित मामला है जिसमें एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को दवा कंपनी से राहत के नाम पर 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके 5 ठिकानों पर दबिश दी गई थी एसीबी जयपुर की ओर से। इस दौरान उनका रिसोर्ट भी जो है उदयपुर में, उसको यहाँ पर जो है तोड़ा गया था। तो इस पूरे मामले में जो है जयपुर एसीबी की ओर से आज अजमेर एसीबी न्यायालय में 11,500 पन्नों की रिपोर्ट जो है, चार्जशीट जो है वो पेश की गई है, जिसमें उनके खिलाफ अलग अलग आरोप तय किए गए हैं, बताए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह का ये जो रिश्वत का काम है वो किया था, उनके दलाल के माध्यम से किस तरह से उन्होंने जो अलग अलग स्थानों पर रिश्वत ली थी, और पुराने जो मामले हैं उनको लेते हुए जो आय से अधिक के मामले हैं, इसके साथ साथ अलग अलग जो मामले हैं उन सभी को इस 11,500 पन्नों की चार्जशीट में रखा गया है, जिससे कि उनके खिलाफ कड़ा जो है एक्शन जो है एसीबी की ओर से लिया जा सके और जो न्यायालय है उस मामलों को में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। तो आज जो है इस मामले में जयपुर एसीबी की ओर से अपनी चार्जशीट पेश की है। पन्नों की चार्जशीट है जिसमें तमाम आरोप हैं। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।